चलो एट वन करते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें? x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t बाई टू, ऐसा ही बोल रहे हैं। a cos t प्लस log tan t बाई टू और y छोटा है हमारा a sin t, that's it। तो करते हैं फटाफट dx by dt, a तो बाहर का बाहर ही रहने दो उसको। अच्छा cos t का हो जाएगा माइनस ऑफ sin t, डन, cos का माइनस sin, अच्छा प्लस log x का 1 by x, तो 1 by x tan t by 2। अभी x का क्या, x को करना पड़ेगा ना, तो tan का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर x, तो t by 2, और अब t by 2 का करना पड़ेगा, तो t by 2 का क्या होगा, t by 2 में बाई वन बाई टू तो अलग हो गया है, yes। तो टी का क्या होगा वन, तो टी बाई टू का क्या हो जाएगा वन बाई टू, ओके डन, ये कुछ यार इतना इजीली हो गया क्या? कॉस का साइन लॉग एक्स का वन बाई एक्स, जो एक्स माना था उसका कर दिया, हाँ हो गया तो हो गया, ओके इसको बाद में करेंगे, अब इसको ले लेते हैं। सो dy by dt इज इक्वल्स टू a sin का क्या हो जाएगा cos t, डन, यस, ओके। सो dy by dx इज इक्वल्स टू a cos t, तो a तो कैंसिल हो गया, ऊपर भी है नीचे भी है, yes। a तो कैंसिल, तो cos t होल डिवाइडेड बाय, यहां पर मेरे पास क्या बचा है, और ये प्लस वाला इधर लिखते हैं हम पहले, तो 1 by 2 और फिर क्या है sec स्क्वायर t by 2 होल डिवाइडेड बाय tan t by 2, ओके tan t by 2 माइनस sin, ओके। सो tan को लिखना पड़ेगा फिर, या फिर यहीं छोड़ दे, क्या है अभी आंसर, tan t, ओके, सो tan t है हमारा आंसर, ओके। तो देखो क्या करेंगे, ऊपर तो जैसा है वैसा ही रहने दो, cos t डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, अभी इसको लिख देंगे हम क्या sin t by 2 into cos t by 2, yes। इसको ओके यहां पे क्या लिख देंगे, सेकेंड स्क्वायर t by 2 अपॉन, इसको हम क्या लिख देंगे साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू, तो ऊपर चला जाएगा, yes। okay, तो ये हो गया कॉस टी बाई टू और यहां पे है माइनस साइन टी, डन, ओके। और कॉस टी तो यहीं पे है, डिवाइडेड बाय वन बाई टू भी है, अब देखो सेक स्क्वायर है तो मैं उसको वन अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस स्क्वायर लिखूंगा तो एक तो कट हो जाएगा, तो एक बाकी रहा, ओके ये नीचे एक बाकी रहा, ऊपर ये नीचे चला जाएगा ना, एक नीचे cos स्क्वायर नीचे चला जाएगा, cos स्क्वायर नीचे गया तो नीचे एक बाकी रहा, yes। तो नीचे एक बाकी रहा और नीचे एक साइन भी बाकी है, ऊपर cos के बाकी है, नहीं ऊपर तो गया ना, ये देखो cos t ये तो है ही ऊपर, अच्छा वो वाला, ओके हाँ, ये sec स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर, वन अपॉन कॉस स्क्वायर लिखे तो वो कॉस स्क्वायर और ये कॉस एक गया, तो नीचे क्या बचा साइन टू, साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू बचा, अब उसके साथ ये टू भी है, yes। तो वो साथ में ही आ गया, yes। क्या टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू साइन टू थीटा, yes। मतलब वो फॉर्मूला किसका बन गया साइन टी का, डायरेक्टली लिख रहा हूं, समझ में आ गया, yes। ये फॉर्मूला देखो कैसे बना, समझ में आया ना, सेकेंड स्क्वायर को यहां पे हमने लिखा वन अपॉन कॉस स्क्वायर, वन अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा तो कॉस स्क्वायर में एक एक कॉस टी बाई टू कट हो गया, एक रहा और नीचे टू भी है, सो टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, मतलब क्या साइन, मतलब टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, तो ये किसका फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, मतलब साइन टी का, ओके। तो ये साइन टी कहां आया वन अपॉन में, यहां पर
cos t तो है ही, और यहां पर 1 अपॉन में आया sin t, then yes माइनस यहां पर है sin t, ओके सो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा cos t अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर t, और ये sin t है वो ऊपर चला जाएगा yes ये sin t yes, LCM जो है वो ऊपर चला जाएगा तो sin t, तो क्या आ गया sin t into cos t upon 1 minus sin square cos square t, एक कट हो गया yes एक कट हो गया तो sin by cos tan t done मतलब सिंपलीफिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा बट आ जाएगा ओके चिराग नींद आ रही है डन yes. तो यहां पर लग रहा था कि लंबा जाएगा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो, लेकिन यहां से कट हो जा रहा है तो इजी हो गया yes. लेकिन ये फॉर्मूला यहां पर लगाना मत भूलना कौन सा ये 2 sin t by 2 cos t by 2 that is equals to sin 2 sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta yes. मतलब 2 sin theta cos theta मतलब sin 2 theta तो क्या करेंगे sin 2 theta क्या है मेरा t by 2 to cut, तो हमारा फॉर्मूला बन गया sin t का तो वो sin t यहां हमने लिख लिया yes. और फिर आगे LCM कर done आगे ना समझ ओके